हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको वॉच लिस्ट में किस तरीके के स्टॉक्स रखने चाहिए, और ऐसे ही 40 स्टॉक्स की लिस्ट में आप लोगों को आज बताने वाला हूं, जिन स्टॉक में कभी भी अगर करेक्शन आता है तो इन स्टॉक्स में आप सही प्राइस पर बाय करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा रिटर्न ये स्टॉक्स बनाकर दे सकते हैं। कौन से स्टॉक्स है पूरा डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर आप लोग देखिएगा। ऐसे स्टॉक अगर वॉचलिस्ट में होंगे तभी आप लोगों को, जब भी मार्केट क्रैश होता है तब आप लोगों को रहता है कौन सा स्टॉक बाय किया जाए। तो ये स्टॉक अगर वॉचलिस्ट में रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये स्टॉक लोअर वैल्यू पर आ चुका है, इनमें अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो है बहुत जल्दी आने वाला है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा कर रखा है, तो वहां से आप लोग उस चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एटलीस्ट 100 to 200 सब्सक्राइबर हो जाए तो उस पर भी वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको निफ्टी 50 जो 1996 से जो चार्ट है वहां पर आप लोग देखिएगा। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर देखिएगा, ये 2008 वाला ये हाई बनाया था एक, और उसके बाद ये क्रैश हुआ, फिर से मार्केट ऊपर आया, देखिए एक छोटा सा करेक्शन हुआ फिर से, उसके बाद देखिए फिर मार्केट ऊपर गया, और 2014 से 16 के बीच में जो 15 और 16 का जो था वहां पर फिर से करेक्ट हुआ मार्केट, फिर देखिए ऊपर गया, यहां पर आपके पास 2019 में फिर से सिचुएशन आई, और ये 2020 में आप देखिए फिर से आई। तो आप देखेंगे जब जब मार्केट क्रैश होता है वापस से रिकवर जरूर करता है, और इस टाइम पर अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ये जब इस तरीके के करेक्शन होते हैं वहां पर जो आपको अच्छे स्टॉक होते हैं वो लोअर प्राइस पर अवेलेबल होते हैं, तो वहां पर अगर उन स्टॉक्स में एंट्री बनाई जाए तो वो स्टॉक्स हमें बनाकर देते हैं बहुत अच्छा रिटर्न। और उसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, अभी हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 में आप लोग देखिएगा, निफ्टी 50 का ये मैंने इंडेक्स निकाला हुआ है, और निफ्टी 50 में से टॉप 10 जो स्टॉक है सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं उनकी लिस्ट अब आपके सामने आ चुकी है। उनमें से पहला जो स्टॉक है वो आप लोग देखिए, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो आप लोगों ने क्लियर कट देखा था कि रिलायंस में अच्छा मूव आया है, इसलिए निफ्टी 50 में भी मूव आया है, ऑलमोस्ट 13.24% का वेटेज रखता है। जो भी बिगिनर हो उसको सबसे पहले निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक है उनमें से किसी भी स्टॉक में अगर पोजीशन बनाता है वो, तो वो हमेशा आप देखिएगा सिर्फ पेशेंस लगेगा, अदरवाइज रिटर्न आपको जरूर इन स्टॉक्स में अच्छा मिलेगा। दूसरा स्टॉक देखिए एचडीएफसी बैंक का है, 10% का वेटेज रखता है, और एचडीएफसी बैंक भी आपको क्रैश के टाइम पर आप देखेंगे 700 से 800 की रेंज में आप लोगों को अवेलेबल हुआ था, वहां पर भी किसी ने पैसा लगाया होता तो अच्छा रिटर्न मिलता। तो ये ऐसे स्टॉक है जिनमें करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप किया जा सकता है। थर्ड स्टॉक देखिए आप, इंफोसिस का है, उसके बाद ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, उसके बाद देखिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी, फिर देखिए टीसीएस, और इसको तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, जिसने भी इन्वेस्ट किया पैसा अच्छा बना होगा, फिर देखिए आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर बैंक। आईटीसी थोड़ा स्लो चलता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए, जिनका विजन 5 या 10 साल का है, उससे भी बड़े टाइम फ्रेम का है, वही लोग आईटीसी में जो है कम कम करके पैसा लगाइएगा, अदरवाइज आईटीसी बहुत स्लो चलता है तो आप इरिटेट हो जाएंगे अगर इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे। फिर देखिए एक्सिस बैंक, तो सभी ने ये इन सबका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 को आगे ले जाने में। तो जब भी ये स्टॉक नीचे गिरते हैं, और वॉचलिस्ट में अगर आपके स्टॉक हैं और मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा है, तो मैं रेगुलरली जिन भी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बनती है वो मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, जिससे कि आप इन स्टॉक्स में सही टाइम पर एंट्री कर पाए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो ये 10 स्टॉक तो वॉच लिस्ट में आपके होने चाहिए। और अब जब निफ्टी का यहाँ पर इंडेक्स देख रहे हैं तो आप ऊपर देखिए फंडामेंटल्स में, निफ्टी का पी कितना हो चुका है 31.9, यानी कि निफ्टी 50 के जो ऑलमोस्ट स्टॉक है वो अब जो है महंगे हो चुके हैं, यानी कि अब मार्केट में एक करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। तो हमें अगर प्रॉफिट मिल रहा है इन स्टॉक्स में तो हमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या कुछ न कुछ प्रॉफिट बुकिंग
जरूर कर लेनी चाहिए। इस तरीके का ये पी हमें देखो एक आइडिया दे रहा है, तो निफ्टी का पी देखकर भी हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर यहां से पता चल गया कि ये स्टॉक जो है वॉचलिस्ट में होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी स्टॉक में आप एंट्री ले लेते हैं लोअर प्राइस पर भी और वो स्टॉक बहुत दिन के लिए साइडवेज में मूव करता है, तो आप लोग इरिटेट हो जाते हैं और उस स्टॉक से जैसे ही एग्जिट होते हैं उसके बाद देखते हैं 2 से 3 दिन में वो स्टॉक बहुत आगे चला जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो स्टॉक था वो था आरती इंडस्ट्रीज का। अब आरती इंडस्ट्रीज में मैंने क्या किया था, यहाँ पर आप देखिए इस लेवल के आसपास, ये जो 1030 के आसपास है यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली थी। तो उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया 200 का ऐसे में, मुझे पता था पास में है तो मैंने यहाँ पर एवरेज कर लिया और उसके बाद मेरे जो स्टॉक्स थे वो ओवरऑल 30 स्टॉक्स थे और उनका एवरेज प्राइस 1003 आया, ठीक है, मैंने कर लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जब एवरेज किया उसके बाद ये पोर्शन आप लोग देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये वाला भी कंसिडर कर लो तो ऑलमोस्ट 1 महीना मुझे इस स्टॉक में 1 महीना होल्ड करना पड़ गया। ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था लेकिन मैंने इसमें पेशेंस रखा और फिर देखिए केवल 3 दिन लगे और अभी मैंने वापस से प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो इसमें ट्रेडिंग में भी कभी कभी पेशेंस लगता है, तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अच्छे स्टॉक में करते हैं और अच्छे प्राइस पर बाय करते हैं, तो अगर आप लोगों को अगर 1 महीना भी होल्ड करना पड़े स्टॉक को और वो स्टॉक आपको 10 से 12% का रिटर्न बनाकर दे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से ये तो ट्रेडिंग के लिए था, 1 महीने का टाइम था इसलिए पेशेंस कर लिया। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है, मार्केट कंडीशन खराब रही तो और भी नीचे आ सकता है, तो ये टाइम पीरियड में लगता है पेशेंस। एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाया तो यहाँ पर ऐड करना चाहिए ना कि एग्जिट करना चाहिए, ये गलती हम सब करते हैं और इसीलिए फिर हम लोग क्या है लॉस बुकिंग कर लेते हैं। और हम जब लॉस बुकिंग करते हैं उसके 1 से 2 महीने में आप देखते हैं वो स्टॉक फिर से आपने जिस प्राइस पर बाय किया है वहां से ऊपर चला जाता है। तो ये साइकोलॉजी आप लोगों को समझनी पड़ेगी, इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है और एक अच्छी कंपनी बहुत जरूरी है। अब 10 10 स्टॉक हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। अब मैं आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट बताता हूँ, यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है। देखिए ये करेक्शन आया 2008 और 10 के बीच में, देखिए ये वाला कर्सर देखिए फिर से ऊपर गया, फिर देखिए ऊपर गया और ये देखिए मार्च में फिर नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक और इंडेक्स का नेचर है, अगर नीचे आए हैं तो ऊपर तो जाना ही है। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप निफ्टी 20 और बैंक 20 में भी बाय कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो उनमें जो टॉप 10 स्टॉक वेटेज रखते हैं वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। अभी ये स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है तो अभी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि जो डीमार्ट का स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो में या फिर वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए और लोअर प्राइस पर मिलता है तो आप लोगों को जरूर एंट्री कर सकते हैं। तो अवेन्यू सुपरमार्ट में अभी अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को बता दिया था, वहां से अगर पैसा लगाया जिसने भी होगा पैसा मिला होगा। फिर देखिए टाटा कंज्यूमर में पैसा लगा सकते हैं, उसके अलावा डाबर इंडिया। अब इन स्टॉक को वॉचलिस्ट में लगा कर रखना है, जब सही लेवल आएगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। तो इस तरीके के स्टॉक होने चाहिए। अब आईसीआईसी लोम्बार्ड को जरूर अपने वॉच लिस्ट में लगा कर रखिए, इन्फो एज बहुत अच्छा स्टॉक है, गोदरेज कंज्यूमर में भी पैसा लगाया जा सकता है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, लुपिन भी अच्छा स्टॉक है लेकिन ये भी स्लो चलता है, ठीक है, औरोबिंदो फार्मा भी। तो इस तरीके से 20 स्टॉक और हो चुके हैं। अब आपको जब मैंने निफ्टी 50 का बताया था तो इसमें से ये केवल 10 ही स्टॉक है, इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, HDFC AMC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक हैं जो आप अपनी वॉचलिस्ट में लगा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको किस तरीके के स्टॉक वॉचलिस्ट में लगाकर रखने चाहिए। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी हमारा हो गया। अब मैं आपको निफ्टी मिड कैप 50 में बताता हूँ। निफ्टी मिड कैप 50 में भी अगर आप देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 50 जो देखेंगे 2018 से ही जो स्टॉक इसको लीड करते हैं आप देखिए डाउन ही है, यानी कि निफ्टी मिड कैप में इतना अच्छा मूव आया नहीं है, क्रैश होने के बाद वापस बढ़ा जरूर है लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो अगर निफ्टी मिड कैप में मैं जाता हूं तो आपको अपोलो हॉस्पिटल दिखता है,
फिर देखिए झील में हमें पैसा नहीं लगाना है। अब इनमें से भी अच्छे स्टॉक हमें वॉचलिस्ट में लगाने, जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स को आप लगा सकते हो, वोल्टास को लगा सकते हो, एमआरएफ महंगा है तो आप लोग वैसे भी बाय नहीं करोगे, एसआरएफ को लगा सकते हो, और इसको मैंने यूट्यूब चैनल पर भी बताया हो जिससे अच्छा रिटर्न मिला होगा, पेज इंडस्ट्रीज को लगा सकते हो, मैक्स फाइनेंशियल है, अशोक लीलैंड है, तो इस तरीके के स्टॉक्स को आप वॉचलिस्ट में लगा सकते हो। और लास्ट पोर्शन है हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का, और स्मॉल कैप का अगर पोर्शन देखेंगे सबसे नीचे चल रहा है ऑलरेडी 2018 से, स्मॉल कैप देखिए आप किस तरीके से इंडेक्स नीचे चल रहा है, स्मॉल कैप 50 की बात कर रहे हैं हम, और फिर देखिए क्रैश हुआ, उसके बाद से वापस जहां पर था वहीं पर ऑलमोस्ट आ चुका है। अब इसमें कौन कौन से स्टॉक कवर हो रहे हैं, देखिए लोरस लेब ऑलरेडी हाई पर चल रहा है, अभी इसको वॉचलिस्ट में लगा कर रखेंगे, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम बाय करेंगे। अब एमसीएक्स जो स्टॉक है वो आपको अभी भी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है, डिक्सन को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसको भी ऐड कर सकते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम को वॉचलिस्ट में ऐड कीजिए, दीपक नाइट्राइट को ऐड कीजिए, फिर टाटा एलेक्सआई को ऐड कर सकते हैं, कजारिया सिरामिक्स और इंडिया मार्ट इंटरमेश स्ट्राइड्स फार्मा, तो इन ये भी अच्छे अच्छे स्टॉक है जिनको वॉचलिस्ट में लगाकर रखो, और इनमें से भी जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, ताकि आपके पास एक अच्छे फंडामेंटल बिजनेस की लिस्ट रेडी हो जाएगी। और इनके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे केमिकल सेक्टर में आई नहीं, अभी मैंने आरती का एग्जाम्पल दिया था, इसी तरीके से पीआई इंडस्ट्रीज है, उसके अलावा ऑटो सेक्टर की भी बहुत सारी कंपनी है, तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और जो भी बिगिनर हो उसको हमेशा जो निफ्टी 50 है और निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो स्टॉक्स में से ही आप पहले स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपका पैसा ज्यादा टाइम के लिए नहीं फंसेगा और अच्छा रिटर्न आप इन स्टॉक से भी गेन कर सकते हो अगर आप बाय ऑन डिप करते हो। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को एडवांटेज मिल सके और इन्वेस्टिंग से भी पैसा अच्छा बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।